तो दोस्तों, आज हम गूगल एनालिटिक्स 4 के इस वीडियो में सीखेंगे कि डायमेंशंस और मैट्रिक्स क्या होता है। दोस्तों, अगर आप गूगल एनालिटिक्स को अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब कुछ बेस होता है डायमेंशंस और मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक अच्छे से इसको समझिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सीख सकते हो हमारे चैनल से, बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 1000 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल में लगभग नए 1000 नए वीडियोस, 30-35 नई सीरीज हम ला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तुरंत कर लो, ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundals.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे डायमेंशंस एंड मैट्रिक्स के बारे में गूगल एनालिटिक्स 4 में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी भी रिपोर्ट की गूगल एनालिटिक्स में या कोई भी डाटा, तो वो बिना डायमेंशंस और मैट्रिक्स के बन ही नहीं सकता, बिकॉज सारा जो एनालिसिस है या एनालिटिक्स है, रिपोर्टिंग है, वो डायमेंशंस और मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस है। उसके बिना कोई भी एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग नहीं बन पाएगी। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस और मैट्रिक्स, अगर हम लोगों को एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो इसको दोस्तों हम इजिली समझते हैं, और बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर एक डाटा, हमने एक पर्टिकुलर किसी भी, आप अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में आ जाइए और वहाँ पर आप अपने किसी भी रिपोर्ट में चले जाइए। तो जब आप रिपोर्ट में देखते हो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखो इंडिया, चाइना, कैनेडा, ये सब लिखा आ रहा है। ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे डायमेंशंस हैं। मतलब अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स है और इंडिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशंस। और यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूजर्स हैं वो 26,000 हैं, इंडिया के अंदर जो यूजर्स हैं वो लगभग 6,500 हैं। ये हमारे हो गए मैट्रिक्स। डायमेंशंस क्या है, वो करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स कह सकते हो आप डाटा के उनको। और मैट्रिक्स क्या होता है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, जिसके जो एक पर्टिकुलर चीज का हमें नंबर बताती है कि मतलब अगर यूजर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में तो वो हमारा डायमेंशन हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स है जी 26,000 है, तो हमारा एट्रीब्यूट है, डायमेंशन हो गया इंडिया, तो हमारा जो मैट्रिक्स है, अच्छा इंडिया में कितने यूजर है जी, हमारे 6,500 है, ठीक है। ऐसे ही अगर सेशंस पे आओगे तो इंडिया हमारा जो है डायमेंशन है, और अगर हम सेशंस की बात करें तो वो मैट्रिक्स है, क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, ठीक है। अगर यहीं पर हम देखें तो मान लो, अगर यहां पर हम किसी और कॉलम में चलते हैं आपको दूसरे तरीके से समझाने के लिए, ठीक है, हमें यहां पर प्लस के इस पे हम साइन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हम डिवाइस पे आते हैं, तो जैसे ही हम यहां पर डिवाइस पे आए और यहां पर हम ब्राउजर्स पे गए, तो अब यहां पर आप देख सकते हो ब्राउजर्स, ये हमारा क्या है, डायमेंशंस, मतलब क्रोम। अब क्रोम से कितने यूजर आए, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। और प्लस ये जितने भी आप आगे देख रहे हो सारे मैट्रिक्स हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल रही है, हम समझ पा रहे हैं, और ये हमारे डायमेंशन है। तो ये इन डायमेंशंस के ये मैट्रिक्स हैं। तो बहुत इजीली और सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है, और इन्हीं के बेसिस पे सारी रिपोर्टिंग होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये गूगल एनालिटिक्स 4 की सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, लोगों को शेयर करें। आपके कुछ सवाल हैं या कोई क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में, आप उनको लिखें, ताकि हम उसके ऊपर आगे चल के वीडियोस लाएं, कोर्सेज लाएं। और दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो हमसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundals.com पर जा सकते हो या आप हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।